Hello guys, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So guys, इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को ZipMer की जो 5 वैकेंट सीट्स रह गई है उनकी काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूँ. तो गाइज, आप हेडलाइन एकदम सही पढ़ रहे हैं. ZipMer टू होल थर्ड काउंसलिंग ऑन अगस्त 21 टू फिल अप 5 वैकेंट MBBS सीट्स. तो गाइज, जैसा कि आप हेडलाइन से पता लगा सकते हैं कि ZipMer के पास 5 वैकेंट सीट्स हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, जो कि 21 अगस्त को होने वाली है. और उसमें कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन से कैंपस में ये सीट्स खाली है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ. तो चलिए क्या शुरू करते हैं. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आप श्योर रनिंग जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे. तो इस आर्टिकल पर आते हैं. जो ZipMer इंस्टीट्यूट है वो अपनी थर्ड काउंसलिंग 21 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से मिनी ऑडिटोरियम इन द इंस्टीट्यूशन एकेडमिक सेंटर टू फिल अप सीट्स दैट फेल वैकेंट आफ्टर द फर्स्ट टू राउंड ऑफ काउंसलिंग. तो जो इनके पास आफ्टर, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 राउंड इनके काउंसलिंग के पहले ही हो चुके हैं, तो उसके बाद भी कुछ 5 सीट्स इनके पास वैकेंट हैं, तो उनको ये फिलअप करना चाहते हैं, जिसके लिए 8:30 बजे सुबह से 21 अगस्त को काउंसलिंग करने वाले हैं. तो वही 5 जो सीट्स हैं उनमें जो आपकी पुडुचेरी कैंपस है उसमें 3 सीट्स हैं, और जो आपका कराईकल कैंपस है उसमें आपकी 2 सीट्स हैं. तो वह जो पुडुचेरी वाला है उसमें अनरिजर्व के लिए 2 हैं और OBC के लिए 1 सीट है, यानी कि टोटल 3 सीट्स. और कराईकल कैंपस में आपकी अनरिजर्व के लिए 1 और SC के लिए 1 सीट वैकेंट है. तो टोटल मिला के आपके पास 5 सीट वैकेंट है MBBS की. और इसके अलावा द वैकेंसीज हैव फॉलन ओनली अंडर जनरल अनरिजर्व OBC SC एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी. द इंस्टीट्यूशन हैज़ रिजर्व 1 सीट फॉर PWD कैटेगरी इन पुडुचेरी कैंपस. इसके अलावा 1 सीट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए वहाँ पर पुडुचेरी कैंपस में भी ZipMer में 1 सीट वैकेंट है, जो कि उसको उसकी भी काउंसलिंग 21 तारीख को ही होने वाली है. तो वैसे इसके अलावा आपको जो जानकारी जाननी ज़रूरी है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करा था 24 जुलाई को, वो एलिजिबल हैं थर्ड काउंसलिंग की में अपीयर होने के लिए. और जो कैंडिडेट्स हैं जिनको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था बट वो फेल थे रजिस्टर करने में अपने आप को, तो वो इस राउंड में एलिजिबल नहीं है, इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है. तो वाइज इसके अलावा जो एलिजिबल है कैंडिडेट्स उनकी लिस्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है. आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उसको पूरा चेक कर सकते हैं कि मैं उस राउंड के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ थर्ड राउंड के लिए. तो गाइस, इस वीडियो में यही जानकारी मैंने आपको देनी थी. एक अच्छी न्यूज़ है कि 5 वैकेंट सीट्स रह गई हैं. आज 19 अगस्त है और 21 अगस्त को ये होने वाला है. इसके अलावा गाइस, अगर आपका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो पाया है तो आप शिवा लर्निंग के पर्सनल काउंसलर्स को आप फ़ोन कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दे दूंगा और आप हमारी वेबसाइट पर भी आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट हम हमारे काउंसलर आपको बता पाएंगे कि अभी भी आप किस किस कॉलेज में एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए. तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं. मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.